तो ये तड़का लगने के बाद मूंगफली की चटनी का स्वाद ही दुगना हो जाता है। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने एक फ्राई पैन लिया है, आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। उसमें मात्र एक छोटी चम्मच तेल हमने डाला है, उसके बाद उसमें हम मूंगफली डालेंगे। तो तेल को हम अच्छे से हीट कर लेंगे, उसके बाद फिर इसे मूंगफली डालेंगे हम। तो मूंगफली जो हमने लिया है वो फ्रेंड्स ये लगभग 50 ग्राम वेट में है, तो आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी का बनाएं आप अपने हिसाब से ये, लेकिन ये जो है 50 ग्राम मूंगफली का जो चटनी हम बना रहे हैं। उसके बाद हम हरी मिर्च और 4 से 5 हमने हरी मिर्च, ये थोड़ी सी तीखी रखने के बाद ये चटनी जो है बहुत ही बढ़िया लगता है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने डाला है, तो इन सारे को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। तो इसे लगातार आप चलाते रहेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए इसका ये कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज फ्रेंड्स हमने एक बड़े साइज का प्याज डाला है इसमें। तो प्याज को हमने कुछ इस प्रकार के शेप में काटा है। तो इस प्रकार के शेप में काटने से क्या होता है, प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाता है। तो ये देखिए प्याज भी हमारा ये लगभग ब्राउन हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी हमने एक मीडियम साइज का लिया है। तो इसकी जो मात्रा है, हमने 50 ग्राम मूंगफली, एक बड़ी साइज का प्याज और एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। और इन सारे को अच्छे से हम भुनेंगे। और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन भी हमने लिया है, तो लहसुन को भी लास्ट में हम डालेंगे इसमें। तो ये देखिए हमारे अच्छे से ये रोस्ट हो गया है। तो 4 बड़े लहसुन हमने इसमें डाला है बड़ी साइज का, उसे छील के। तो लास्ट में हम लहसुन डाल के उसके बाद हम इसे नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डालें। तो ये देखिए इसका नमक डालने के बाद ये थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाएगा। तो ये देखिए इसका कलर भी नमक डालने के बाद बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने से। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इसे नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे इसे लेके। तो हम एक मिक्सी जार लेंगे, तो और उस जार में हम सारे मिक्सचर को हम डालेंगे इसमें। आप कोई भी रोटी या चावल के साथ इस प्रकार से बना के इस मूंगफली और टमाटर की चटनी को अच्छे से इसे सर्व करेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पीस जाए। तो ये देखिए फाइनली हमारा ये मूंगफली टमाटर की चटनी बनके तैयार है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, एक कटोरे में। तो पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, इसका ग्रेवी जैसी रखनी हो आपको आप रख सकते हैं। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे फ्रेंड्स। तो तड़का के लिए हमने उसी फ्राई पैन में थोड़ी सी तेल डाला है, और तेल डालने के बाद हम इसमें सरसों डालेंगे, काला सरसों। और उसके बाद थोड़ी सी चलाने के बाद हम इसे लाल मिर्च डालेंगे। तो ये देखिए इसे डाल के भी हम इसे अच्छे से, ये देखिए ब्राउन हो गया है, ये तड़का हमारा रेडी है। तो अब हम इसमें इस चटनी में मूंगफली की चटनी में तड़का लगाएंगे। तो मूंगफली की चटनी में आप इस प्रकार से तड़का लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट भी दुगना हो जाता है। तो ये हमारा फाइनली मूंगफली और टमाटर प्याज की चटनी बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो आप भी इस प्रकार से आप नई रेसिपी को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।